Assalamu alaikum students, today we will discuss unit number 5, exercise question number 4, part number 2. What is the purpose of a programming language? Students, in the previous lecture we have discussed program, computer program and examples of programs. Today we will discuss programming language. We will discuss the background of programming language. So, सबसे पहले आज हम programming language को discuss करने से पहले कुछ अहम points discuss करेंगे. First we will discuss what is natural language. Then we will discuss computer programs. At third, we will discuss computer language. At the end, we will discuss the answer of part number 2 as well as the topic programming languages. So first, we will discuss natural language. Natural language basically वो language है जो हम daily life में communication के लिए use करते हैं. For example, means of communication among people. किसी से हालचाल पूछना है, किसी से conversation करनी है, तो जो भी हम language use करेंगे वो natural language है. तो ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेशन के लिए जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दीज लैंग्वेजेस आर नेचुरल लैंग्वेजेस. जो कि ह्यूमन बींग से रिलेटेड हैं वही नेचुरल लैंग्वेजेस हैं. वी शेयर आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू नेचुरल लैंग्वेज. हम नेचुरल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक. तो ये डिफरेंट एरियाज़ के अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस हैं. कुछ एरियाज़ में लोग उर्दू यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज, कुछ एरियाज़ में इंग्लिश यूज़ करते हैं. तो ये एरिया टू एरिया डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, लेकिन ये तमाम क्या है? नेचुरल लैंग्वेजेस. फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू. तो बेसिकली इंग्लिश का एक सेंटेंस है और इसमें टू पर्सन कम्युनिकेट करें. फर्स्ट पर्सन इज आस्किंग हाउ आर यू. तो बेसिकली वो कम्युनिकेट करें यूजिंग अ नेचुरल लैंग्वेज. नेचुरल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश. कंप्यूटर इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ये अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. नेक्स्ट इज कंप्यूटर प्रोग्राम्स. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड प्रोग्राम एंड कंप्यूटर प्रोग्राम इन द प्रीवियस लेक्चर. प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज प्रोग्राम. इंस्ट्रक्शंस का सेट जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, बेसिकली वो प्रोग्राम है. और अगर हम इसमें कंप्यूटर शामिल कर लें, देन इट इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम. इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. यानी डेफिनेशन वही है, पॉइंट वही है. प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इंस्ट्रक्शंस का सेट है. अगर हम कंप्यूटर की बात नहीं करेंगे तो वो प्रोग्राम है सिंपली, और अगर हम कंप्यूटर को साथ ले लेंगे तो वो बेसिकली बनता है कंप्यूटर प्रोग्राम. तो आमतौर पे सिंपल प्रोग्राम को भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम ही कहते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में ही होती है. कंप्यूटर परफॉर्म्स द टास्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस. जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं इन द प्रोग्राम, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है और एट द एंड रिजल्ट रिटर्न करता है. दैट इज द गोल. नेक्स्ट वी विल डिस्कस कंप्यूटर लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो नेचुरल लैंग्वेज से बिल्कुल ऑपोजिट है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज और इस लैंग्वेज को सिर्फ कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है. कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज. नेचुरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. कंप्यूटर हैज़ इट्स ऑन लैंग्वेज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डिफरेंट लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं. स्टूडेंट्स, बाइनरी का वर्ड आपके लिए अभी न्यू है, इसको नेक्स्ट क्लासेस में हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसकी अपनी एक सेपरेट लैंग्वेज है. दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज. उसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि बाइनरी फॉर्म में डेटा अंडरस्टैंड करता है. इट अंडरस्टैंड्स द इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट्स 0 और 1. यानी कंप्यूटर से वही इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है जो 0 या 1 की फॉर्म होती है, यानी कि बाइनरी बिट्स की फॉर्म में होती है. ये बाइनरी बिट्स का कॉन्सेप्ट आपके लिए अभी न्यू है, तो आप अभी सिर्फ माइंड में रखें कि 0 और 1 की फॉर्म में जो भी डेटा होगा कंप्यूटर सिर्फ उसी को अंडरस्टैंड कर सकता है. तो ये बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस करने से पहले हम ये मार्क कर लेते हैं कि ये बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 का आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आंसर इज ऑन पेज नंबर 107. अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज डिजाइन टू डेवलप प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स. ह्यूमन से समझते हैं नेचुरल लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर लैंग्वेज. तो अब कम्युनिकेशन के लिए, प्रोग्राम्स लिखने के लिए हमें एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज रिक्वायर्ड है. दिस इंटरमीडिएट लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज से मैच करती हैं, और कंप्यूटर में ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कि इस लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करें और टास्क परफॉर्म करें. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है टू डेवलप प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस और कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. देयर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट द कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉलो टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम्स. सर, अभी हमने डिस्कस किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली यूजर यानी कि ह्यूमन बींग्स और कंप्यूटर के अंदर ब्रिज का काम करती है.
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको नेचुरल लैंग्वेज के करीब समझा जाता है और जिसको ह्यूमंस इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस तरह से कन्वर्टर्स होते हैं, कन्वर्टर्स उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करता है और एग्जीक्यूशन करता है। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डिफरेंट रूल्स हैं, उनके रेगुलेशंस हैं कि इस लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखते हुए हमें इन रूल्स को सामने रखना है, इन सिंटैक्स को फॉलो करना है। सिंटैक्स बेसिकली प्रोग्राम को लिखने के रूल्स हैं, हमने स्पेलिंग का फॉर्मेट कैसा लेना है, कॉमास कैसे यूज करने हैं, तो ये तमाम रूल्स हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स। मोस्ट ऑफ दीज लैंग्वेजेस यूज इंग्लिश वर्ड्स एज स्टेटमेंट्स एंड कमांड्स टू क्रिएट प्रोग्राम्स। इन लैंग्वेजेस में ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड्स यूज होते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, लाइन्स की फॉर्म में वर्ड्स यूज होते हैं, डिफरेंट कमांड्स होती हैं जिनके अकॉर्डिंग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं जो स्टेटमेंट्स हैं ये फंक्शंस हैं, या आप कह लें एक्सप्रेशंस हैं जिनमें वैल्यूज आती हैं और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है, रिजल्ट आता है। उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आर फॉरट्रान, कोबोल, सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड बेसिक। स्टूडेंट्स, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल की हेडिंग बना लीजिए, ऊपर डेफिनेशन की हेडिंग बना लीजिए। तो ये है आज के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 का आंसर। रिमेनिंग एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर्स। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।